नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। समाजवादी अध्ययन केंद्र सिद्धार्थनगर में छात्र युवा संवाद आयोजन का समाजवादी युजन सभा के प्रदेश प्रवक्ता श्री शैलेश यादव ने संबोधित किया। बेरोजगारी की समस्या का समाधान विषय पर सार्थक और जरूरी विमर्श हुआ। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता शैलेश यादव और प्रदेश सचिव राकेश कुमार को अंग वस्त्र तथागत बुद्ध की प्रतिमा और समाजवादी साहित्य भेंट किया गया। शैलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने रोजगार देने के नाम पर नौजवानों से धोखा किया है। अपना नाम क्या है और सिद्धार्थनगर आने का मुख्य उद्देश्य? मैं शैलेश कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी उत्तर प्रदेश। हम लोग आज इस आपके जनपद सिद्धार्थनगर आए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी के द्वारा दिए गए कार्यक्रम और दिशा निर्देशों पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में निकले। केवल आज के ही जिले नहीं, आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हम लोग एक साथ निकले हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे उसका विस्तार किया जाए, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग निकले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और एक एक जनपद में। मैं आपके बहरे बस्ती जनपद और देवीपाटन जनपद में जितने भी जिले आते हैं, बस्ती जनपद में बस्ती, सिद्धार्थनगर, सतकबीरनगर, देवीपाटन में बहराइच, गोंडा, सरावती, बलरामपुर, ये सारे जिले मैं इधर से वो क्या करके आया हूँ। कल गोंडा रहूँगा, परसों बलरामपुर रहूँगा, फिर सरावती और बहराइच का कार्यक्रम है मेरा। मैं लगातार बस्ती, सतकबीरनगर, कल धरने में शामिल हुआ, आज मैं अपने संगठन की समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले में समाजवादी पार्टी के युवा सभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक, नगर अध्यक्ष, जितनी भी कमेटी है उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कैसे अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जब आप संगठन से मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लगे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस 2022 आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे अपने संगठन के द्वारा मदद पहुंचा सकते हैं, कैसे हम लोग जनता के बीच में अपनी उनकी बातों को ले जा सकते हैं। क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो आतादाई भाजपा की सरकार है, उसने इतना प्रोपगंडा फैला रखा है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, भारत खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, देश खतरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी खतरे में हैं जो सरकार में हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, केवल उनकी कुर्सी खतरे में है और उत्तर प्रदेश के कोई खतरे में नहीं है। इस महंगाई के मुद्दे पे जो इस समय चल रही है, इस सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रखे हैं, इनको लेकर के महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के, किसानों पे हो रहे अत्याचार को लेकर के, और जिस तरीके से आगामी अभी जो चुनाव भी हुए हैं जिला पंचायत के, ब्लॉक प्रमुखी के, किस तरीके से भाजपा ने पुलिस के दम पर और अपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के दम पर किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सियों पर, ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी पर किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है, इन सब को लेकर के ही कल हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जितनी भी तहसीलों में एक साथ पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन किया है। और समाजवादी पार्टी ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार आने वाली है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। और ये बाबा के दिन अब लड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश से बेदखल होने वाली है।